मैं काकुन के श्री हनुमान मंदिर में मौजूद हूँ। और देखिए यहाँ पे एक सूर्य भगवान की बहुत पुरानी मूर्ति है, और सूर्य भगवान के देखिए दोनों हाथ खंडित हैं, इनका नीचे देखिए घोड़ा है ये, और काफ़ी पुरानी देखिए यहाँ पे है। हमारे साथ डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब ये जो मूर्ति है कितना पुराना होगा ये? इतिहास मुगल कालीन इतिहास है जी जी जी। और मुगल कालीन में आप जानते हैं कि मूर्तियां खंडित की गई थी जी जी। उन्हें अपने इस्लाम धर्म को बढ़ाने के लिए उनका एक मानना था, इनका एक वो था एक तर्क जी। अगर हिंदू धर्म की मूर्तियों को और उनके वेदों को नष्ट कर दिया जाए जी जी। तो कुछ समय बाद वो हिंदू अपने आप कन्वर्ट इस्लाम में हो जाएगा जी जी जी। इसी थ्योरी के तहत समस्त हिंदू मंदिरों को एक साजिशों के तहत खंडित किया गया जी 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 जी। हमारे वेदों को जलाया गया हाँ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये प्रत्यक्ष और ऐसी दुर्लभ और इतनी कलाकृति अब इस जमाने में नहीं जो पहले शिल्पकार थे। अच्छा मैं देख रहा हूँ इसका मूर्ति का हाथ भी खंडित है, बाकी और भी कोई जगह खंडित है इसमें देखिए। छठवीं शताब्दी के आसपास जब मुगलकालीन का चरण चल रहा था जी जी पूर्णिम युग जी, तो उस दौरान लगभग बहुत से हजारों मंदिरों की मूर्तियाँ खंडित की गई और तोड़ी गई। उसका एक गीता यात्रा और मंदिर में सूर्य का होना जी ये अपने आप में काफी चमत्कार है। आपने कोणार्क का मंदिर देखा हो जी, 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 या कश्मीर का सूर्य मंदिर देखा हो जी, 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 कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ मंदिर तो है मूर्तियाँ नहीं है जी, 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 साक्षात। और कश्मीर का रघुनाथ मंदिर हो वहाँ भी मूर्तियाँ नहीं है जी, 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 तो ये आपको एक बहुत ही चमत्कारिक मूर्ति है जी। केवल ये हम लोग काकुन के हनुमान मंदिर में है जी, तो काफ़ी प्राचीन मंदिर बताया जाता है ये, और कहते हैं ये त्रेता युग का है। उस ज़माने से ये तो एक रामायण काल की निशानी कही जाएगी उसको, और यहाँ हनुमान जी बड़े सिद्ध हनुमान हैं। क्योंकि आप लोग अच्छा युग ना समझे जी, उस समय मंदिर नहीं थे जी, केवल एक पहाड़ के ऊपर विराजमान थे जी जी जी, जी बस जी। और इसके बाद ये भक्तों द्वारा बनवाया गया जी, और देश का विकास होता गया। अच्छा डॉक्टर साहब यहाँ कोई आना चाहे भक्त कैसे आएगा? कानपुर से हमीरपुर आ गया, हमीरपुर से कैसे आएगा? बाय ट्रेन आना चाहते हैं जी 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 जी। तो सर्वप्रथम आपको झांसी से आपको महोबा आना पड़ेगा जी, या कानपुर वाले महोबा आएंगे जी। और इसके बाद बाय बस या आप अन्य साधन से सीधे चरखारी आए हाँ। और चरखारी से काकुन आए। अच्छा चरखारी से ये काकुन के लिए साधन मौजूद है जी, ये लोकल साधन जो होता है वो मौजूद होगा। अच्छा यहाँ का एक तहसील है मौदहा, तो कोई मौदहा से आना चाहता कैसे आएगा? हाँ यदि वो कानपुर से आना चाहता है तो बाय ट्रेन मौदहा रागौल उतरे जी, और उसके बाद रागौल से सीधे इबिलिया और इबिलिया से एक बाईपास है जी, तो गहरौली होते हुए खरेला होते हुए जी वो काकुन आ सकता है जी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी जानकारी दी।